नमस्कार, गोटे बड़ खुलासा सह अर्गस बिग ब्रेकिंग को आपन को स्वागत करछु। म दुर्गाशीष बिग एक्सपोज पुनी परी अपहरण और हत्या मामला रे महाखुलासा एवं अर्गस हाथ में लगी एक्सक्लूसिव दस्तावेज आए हूँ सही दस्तावेज जोटा गुमर खोल अरुण मोथ्रा जामुकोली गपर एवं ये जामुकोली गप कही अरुण मोथ्रा अरुण साहू को सुरक्षा दवापाई कि ये बड़ प्रश्न एवं पुणी परी मामला को लेकिन बड़ चर्चा एवं बड़ खुलासा महाखुलासा अर्गस विभिन्न समय एवं को देखी एक्सक्लूसिव दस्तावेज दयाकोरी टे स्क्रीन को आणतु जो दस्तावेज या प्रमाणित कर कि भाव घटना घटी ये हूँ सरकारी दस्तावेज जो दस्तावेज कोर्टे दाखल क्राइम ब्रांच एवं ये कौन कह डॉक्यूमेंट रे जो कथा आसुची ये सांघातिक कथा दयाकोरी पूर्व ग्राफिक्स को आणतु पूर्व डॉक्यूमेंट को आणतु जो डॉक्यूमेंट रे खुलासा आम करवा कि भाव ये कर देखु इन द रिपोर्ट ऑफ एसएफएसएल ये स्टेट फोरेन्सिक लैब गांधीनगर इन द रिपोर्ट ऑफ एसएफएसएल गांधीनगर गुजरात इश्यूड एन 1/4/2021 इट वाज मेंशन इन दैट इंटरनेट ब्राउजिंग हिस्ट्री पर्टेनिंग टू चाइल्ड फोनोग्राफिक मटेरियल्स वीडियो फाइल्स मटेरियल्स रिलेटेड टू रेप माइनर गर्ल एंड मर्डर as well as deletion of data from mobile device could not be recovered अर्थात अभियुक्त नाबालक जहाँ जहाँ सब मोबाइल रे देखी थिले एवं जो डाटा कथा कहते अरुण बोथ्रा जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी कथा कहते से सब डाटा रिकवरी हो पारिबनी ये बड़ खुलासा जदि डाटा रिकवरी हो पारिबनी ताहले अभियुक्त नाबालक दोषी बोली ये केमिति प्रमाणित हब केमिति दंड पाइब अभियुक्त नाबालक ये बड़ प्रश्न एवं मु आपन को देखेबी जे पूर्वरु किभली कोलकाता फोरेन्सिक लैब एवं स्टेट फोरेन्सिक लैब ए घटना को नेकी कौन कहिले किंतु आसो प्रथम सुनी नबा जे अरुण बोथ्रा सेतेबेले कौन कहिले प्रेस मीट रे मोबाइल को नेकी टिके सुनियंतु तापर मु खुलासा करबी टिके सुनियंतु देखुला 13 तारीख में दैट इज प्रीवियस नाइट ऑफ द इंसिडेंट तार कह कथा मुझे राति सारा से गुड़ा देखी से जो टे मोर अलग प्रकार मोर मनस मानसिक अवस्था थी मु प्लान किसी करी बाय चांस से घटना एमती घटला से झील आसगला से घर कि ना दैट इज हाउ ही सेज इट हैज हैपन तो 13 तारीख में पूरा राति सारा देखा से एडमिट करुचा से देखुची पोर्नोग्राफी देखुची ता छाड़ी पोर्नोग्राफी ऑल ऑफ अस वी नो मेनी पीपल वॉच पिला माने भी देखुं बहुत गुड़ाए किंतु चाइल्ड पोर्नोग्राफी एत प्रिविलेंट ना से किंतु देखुची वन मोर थिंग विच इज दैट तार मोबाइल जो आम देख लु इनिशियली हाथ रू नहीं देखी से तार गूगल हिस्ट्री जो हुए सर्च हिस्ट्री से पूरा डिलीट कर दे डिलीटेड वी सॉ ओनली वन फाइल से फाइल कहि हाउ टू सर्च योर गूगल सर्च हिस्ट्री मैंने गोटे फाइल देखा पड़ी से फाइल अच्छी हाउ टू डिलीट योर सर्च हिस्ट्री अच्छा सर्च हिस्ट्री को डिलीट केमती करा जीवो ताकु से पढ़ी एंड से पूरा हिस्ट्री डिलीट कर छी ये हेउचंती अरुण बोथ्रा एसआईटी मुख्य एवं जो कथा कहिले जे डिलीट कर देछि एवं से ता पूर्व दिन राति रे चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखुथिला जोटा ताकु इंस्टिगेट कला एवं ता पर दिन सीए परी को डाकिकी घरे डाकिकी जामुकोली को कथा कहिकी ताकु दुष्कर्म करिछि एवं हत्या पूर्व हत्या पर दुष्कर्म करिछि ये सांघातिक अभियोग कथा कहिथिले अरुण बोथ्रा किंतु ये दस्तावेज कहुछि जे अरुण बोथ्रा एसआईटी तांको टीम प्रमाणित ही करि परिबनी जदि डाटा रिकवर हो पारिबनी जदि अभियुक्त नाबालक से दिन राति रे चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखिथिला कि नाही ए सब प्रमाणित हो पारिबनी ताहले अरुण बोथ्रा किभली प्रमाणित करिवे जे अभियुक्त नाबालक अपहरण पर हत्या करिछि दुष्कर्म करिछि ये कथा कोठि आसिबो ये गोटे खुलासा आउ दुईटा खुलासा मु आपन को देखेबी जो खुलासा अर्गस करिथिला हम मु जहां भी देखौछि दस्तावेज आधार रे देखौछि एक्सपर्ट मानक ओपिनियन आधार रे कहिछि एवं ये मोक मत नुह ये दस्तावेज कहुची ये सरकारी दस्तावेज जोटा कोर्ट रे दाखल हेछि एवं अर्गस महाखुलासा करुछि मु आपन को देखेबी आउ किछि डॉक्यूमेंट जोटा पूर्वरु अर्गस महाखुलासा करि सारिछि जे किभली भाबे
जो रेप कथा आसुथला जे दुष्कर्म कथा आसुथला जे अरुण बोथरा कहिथिले जे जामु कोली खाया पई डाकी की अभियुक्त नाबालक घरे प्रथमे हत्या करि देला तापरे दुष्कर्म उद्यम करथिला। ये देखंतु स्टेट फोरेंसिक लैब रो रिपोर्ट, ये प्रथमे अर्गस खुलासा करथिला। मु आउ थरे मने पके दउछि ए रिपोर्ट कौन कहू छी, मु आपनकु देखे दउछि। एटी कुआ होछि वन ओल्ड फॉक हैविंग अरेंज व्हाइट एंड ब्लू कलर विथ रेड व्हाइट फ्लावर प्रिंट ऑन इट व्हिच रैप्ड इन पेपर। एटा आस्तिला स्टेट फोरेंसिक लैब को टेस्ट पई। ए रिपोर्ट कौन कहू छी, ये रिपोर्ट आपन ठीके मु पढ़ी के आपनकु सुनै दउछि। ए रिपोर्ट कहू छी ह्यूमन सीमेन स्टेन वाज डिटेक्टेड, ह्यूमन सीमेन स्टेन वाज डिटेक्टेड इन द एग्जिबिट मार्क एट एफएक्स एंड एफ हुज ग्रुप कुड नॉट बी ओपेंड ड्यू टू डिग्रेडेशन, कुड नॉट बी ओपेंड अर्थात ये सीमेन कहार एवं कौन तार गोटे निर्दिष्ट सिद्धांत पहुंची हबनी यही डिग्रेडेशन हो जाए। डिग्रेडेशन कहीं नवेम्बर मस पर्यंत परीर फ्रक को नयागढ़ थाना रखा जाइला। ये प्रथम खुलासा जे दुष्कर्म जदि जदि सीमेन कहार प्रमाणित हो पारनी ताहले से नाबालक अभियुक्त नाबालक दुष्कर्म एवं हत्या करछी प्रमाणित केमती हम। मु आउ गोटे डॉक्यूमेंट आपको देखा, ये डॉक्यूमेंट कलकत्ता स्टेट फोरेंसिक लैब रो से जो लैब आसी सेठी कौन कहा हो आपको नजर पकई आपको देखे दूची सी बड़ खुलासा हम। एवं एक कथा आसुची जे जो भली भावे ये घटना घटी ये क्या मचा जाए, ये देखु ये हूँ स्टेट फोरेंसिक लैब कलकत्तार एवं एटी कह जे ये कहार सेठू बाहर करा जाई पारिबनी, डाटा रिकवरी करा जाई पारिबनी। कलकत्ता कहिला, गुजरात कहिला एवं ए सबू डॉक्यूमेंट एवं रेफ हेछि सीमेन कहार ताहा भी प्रमाणित हेई पारिबनी। ताहाले अरुण बोथरा कौन कहिथिले, कोउ गप कहिथिले एवं ये बड़ खुलासा जे घटना को घडेवा पई सबू करा जाई एवं अरुण साहू को सुरक्षा रेखी अरुण बोथरा। एबे सुनि नियंतु परिरमा कौन कहिथिले एवं कौन अभियोग आनीथिले टिके सुनि नियंतु। परिरमा कौन अभियोग आनीथिले टिके सुनि नियंतु। आमे जानचे एटा संपूर्ण भाव गोटे दिनचरी राकेट चली खाली आम छोट मोबाइल रेकर्ड हुए ना रेकर्ड करके भी मुझे रेकर्डा शुणे आमपाई जो मैंने लड़ुते से चोरा राकेट बहुत लोग फोन कर आम ए कथा बुझे कि जान कि ए जहाँ होगला तू ए ओहरी आ तु से लागनी आउ जहाँ तू कह अरुण साहू को कहीकि तोप प्लट कि देवी तोप फार्म हाउस जगह सब जमी तो ना करदेवि सब कर दे आज्ञा सेम कहते आमको शुणु था डायरेक्ट आम शुणीचु आज्ञा सीबीआई तदन हो अरुण साहू सी इस्तफा रूप गादी से इस्तफा दे गादीच्युत है प्रकृत अघटना प्रकृत जहाँ घटी ताना पड़ो कहीं लोक डर भय कर डर भय पैसा लोभ लोक भी किसी कह चाहूना से गादीच्युत है लोक चाहिए लोक जहाँ कहे आईटा सीबीआई की आज्ञा जाऊ सीबीआई की गले सीबीआई आसिक प्रकृत केत जगार नहीं से कौन कौन करमती करोटे कर सब जाक डिटेल्स आनब ये पुलिस आज्ञा किसी धरवेन ये तो साधारण गोटे अखाटा को चेज करदे अखा फिंगर प्रिंट गुटा मिल था ना अखाटा को चेज करदे आँ चेषा कर धरियापी। ये परिरमा सीबीआई तदंत दाबी कर दयाकर से भिजुआल चलांतु जो परिरमा नवेम्बर 25 रे 2020 रे जो घटना घटी जे विधानसभा आगे आत्महत्य उद्यम करते चिलई चिलई कहते चित्कार कर मंत्री अरुण साहू तक झील को हत्या पछे मंत्री अरुण साहू का हाथ अच्छी दयाकर से भिजुआल टी आणतु दर्शक को टे मन पकई दिंतु जे विधानसभा आगे जिते परीर बापा माँ आत्महत्य उद्यम करते से कौन कही टे शुणु टे शुणु नवेम्बर मास रो जते बेले परीर बापा मा आसी के आत्महत्या उद्यम करथिले विधानसभा आगरे
परीर माँ चित्कार करी कहते जे मंत्री अरुण साहुआ पचर अच्छा बाबुली नायक अच्छा ये घटना नयगढ़ जदुपुर एवं जोठी परी प्रथमे निखोज पांच वर्ष छोट झीटे आज्ञा छोट झीटे निखोज हो जाऊँगी अपहरण कर दस दिन पर डेडबडी मिलू कौ ना पछपटू बारिपटू पोखरी पाखे कि इंटरेस्टिंगली किसी भी स्मेल होना कुकुर जाऊँगी ना शगुण आसी भी स्मेल हो डिस्कम्पोज हो जाए जो कथा आसुची से कथा ये बड़ कथा जे कि भावे अपहरण पर ये हत्यार सांघातिक अभियोग आसुची एटी जो घटना घटी या पछरे मंत्री अरुण साहू का संप्रति अभियोग रही मंत्री अरुण साहू को घंट घोड़ाइप ये सब कार्य देखिए डिबेट आरंभ करवा मो सहित रे वरिष्ठ आईनजीवी कटक रु सुक्त मानस चांद मो सहित नयगढ़ अच्छा आम प्रतिनिधि शिवराम और शिवराम सहित रे अभियुक्त नाबालक वकिल शिवराम प्रथम आपको जावाई चाहिए दायक रिएक्शन नियंतु और यह घटनाक्रम जो डॉक्यूमेंट आम लगी डॉक्यूमेंट को विस्तृत भाव वर्णना करूँ शिवराम निश्चित भाव में जो भाई भाव में प्रथम स्टेट फॉरेंसिक लैबोरेटरी फेरे देखा जे जो बोथरा अरुण बोथरा जो आधार रे तदंत प्रक्रिया आरंभ करते जो फॉरेंसिक रिपोर्ट आधार रे तार मोबाइल फोन रु से चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखिकी यादारा प्रभावित होता और से दुष्कर्म करता जो जो प्रमाण प्राथमिक तदंत दर्शाई ताहा जो स्टेट फॉरेंसिक लैबोरेटरी फेरे देखा कोलकाता को मध्ये पठा जाइतिला जो सेंट्रल फॉरेंसिक लैबोरेटरी पठा जाइतिला सेठी मध्ये फेरा जाइतिला एवं जेतु गुजरात जो गांधीनगर से गुजरात स्टेट फॉरेंसिक लैबोरेटरी पठा जाइतिला किंतु जो अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी रही पठा जाइतिला से गुजरात गांधीनगर ये जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी देखिथिला कि नहीं तार जो सिम कार्ड थिला जो अन्य समस्त डाटा संबंधी जो जहाँ को तथ्य प्रमाण पाखे उपस्थापन कर से सब प्रमाणित हो पारे ना बोली जहाँ गुजरात जो गांधीनगर जो स्टेट फॉरेंसिक लैबोरेटरी मना कर दे सब गुरुतर कथा है जे जो साइफी साइपीटेक सिक्यूरीटी नामक नागपुर एक प्राइवेट संस्था को वर्तमान ये तार फॉरेंसिक जांच पठेबापी जो भाई भाव में नयगढ़ एसटीजेएम कोर्ट में आवेदन कर एसआईटी पक्ष तेज आम सहित अच्छा जे अभियुक्त नाबालक वकिल अच्छा श्री चंद्र विजय मिश्र सहित आलोचना करवा कौन कहे आज जो भाई भाव में आज गोटे घटना सामना को आसला जिते तीन तीन टा सरकार संस्था केन्द्र सरकार राज्य सरकार संस्था फेल मारुचान कहते ये कथा प्रमाणित हो पार ना से पुणी गोटे प्राइवेट एजेन्सी को पठागला ए का स्वार्थ कौन कह चाहिए केवल मान ये प्रश्रय केवल दुर्नीति की प्रश्रय दिजो एविडेन्स जो मैंने क्रिएट करने को चेस्टा कर केवल सहीटा को प्रमाण करने चेस्टा चलती प्राइवेट संस्था को दौंस एस एफ एस एल रसुलगढ़ मना करदेपर सी एफ एस एल को पठाइले कोलकाता सी भी मना करदे जितेबले गांधीनगर पठाला गांधीनगर एस एफ एस एल को पठागला मानने अत्याधुनिक टेक्नोलोजी अच्छी कही पठागला से तार टेस्ट कले से किसी से पाइले ना यही कथा से छोट पाटी से आरंभ कहला जो मो नानी मोबाइल से सब जिन पाइबे ना कि सी गोटे कपोलकल्पित कहानी से तो एस आई टी चीफ गोटे कपोलकल्पित कहानी रचना कले से कपोलकल्पित कहानी को साकार करने गोटे अभियान चली तेणु जितेबाद सरकारी स्तर में सबू फोरेन्सिक लैबोरेटरी वाला मना कर सारे तेणु बर्तमान चिंता चली कौन के पैसा पत्र जिते पैसा पचे पड़ू से गोटे प्राइवेट एजेन्सी के दबा से कलांगी जहाँ करा कथा करवा एविडेन्स केमी क्रिएट कर सारा कौन पठा जाइला कौन कौन पठाई लैबोरेटरी को लैबोरेटरी पठाई तार सेलफोन पठाई तार सिम कार्ड पठाई एवं गोटे मेमोरी कार्ड तार पठाई ये तीनोटी जाक पठाई एथर से किसी पाइले ना से मना करदे जे एथर ये सब किसी ना पर्नोग्राफी जिनस किसी ना तेणु एथर स्पष्ट हो पाटी की सेत समय जो राजनैतिक वातावरण सृष्टि से राजनैतिक वातावरण रु लोक डाइवर्ट करने गोटे कपोलकल्पित कहानी रचना कर गोटे निरीह शिशु को भितर से बढ़ीदेले एटा बड़ माने दुखदायक जिनस आमर आईन जो एथिक्स से कौन कहूँ से कहे पचे दोषी खसी जाऊ निर्दोष दंड न पाऊ कि गोटे निर्दोष को आज फसई दि जाए जेन तेन प्रकार प्रमाणित करने जो चेष्टा चल ये तार गोटे चाक्षुष प्रमाण चंद्र विजय मिश्र अच्छा अभियुक्त नाबालक वकिल जो कथा कह जा दोषी कि निर्दोष कोर्ट डिसाइड कर किंतु एसआईटी जो दावी करूला एसआईटी केमिति प्रमाणित कर
जे नाबालक दुष्कर्म करिकी हत्या करिछि बोली सीधा सुरक्षित मानसचंद आपन को रिएक्शन नेबी आमे अनेक थर एक खुलासा करिछि एवं आपन अनेक थर डिबेट रे पार्टिसिपेट करिकी आइनगत दिग को तर्जमा करिछंती एठी जो कथा आसुची जे गांधीनगर रा फोरेंसिक लैब फेरे देछि जे मोबाइल रु डाटा रिकवरी हेई परिबनी एवं बोथरा कहउथिले जे ता पूर्व दिन से चाइल्ड फोनोग्राफी देखिकी ताकु मानसिक भाबे सेटा इंस्टिगेट करिछि एवं ता पर दिन से कांड घटेछि ये जामुकोली गपर आउ गोटे अध्याय आ गुमर खोली सुक्त मानस निश्चित भाव देखो आम तो बहुत बार आगु कह विषय डिबेट कही एविडेंस से क्रिएट कर चेस्टा करो क्रिएट एविडेंस सब्सटेंशिएट करने प्रमाण करने विभिन्न दिग्वि चेषा करारंबार फेल भी होती जिते बड़े स्टेट फोरेन्सिक लैबोरेटरी मना कला कौन प्रकार मेटेरियल्स आसूना से चेषा करते कलिकतार और शेष को पचारे गांधीनगर पठेले से गोटे जिनस तो गोटे जो गोटे क्राइम गोटे मोटिव आसे जो कौ मोटिव ये जिनसा होती कौन ता पूर्व पर प्रसंग हुए कौन पर कला तो से चेषा करते जेहतु से पोर्नोग्राफी देखला और एक्साइटेड होकर सका क्राइम करता तेनाली बर्तमान जना पड़ेगा जो टोटाली प्लांटेड पोर्नोग्राफीटा देखिना ही कौन प्रकार से रात रात कौन प्रकार तार माइंड रमती किसी अवस्था ना मानसिक अवस्था सेमती किसी ना जो क्राइमटा करेणुतापुर भी देखो फ्रक रु कौन प्रकार सीमेंट आसला ना केवल से निजर कन्फेसन जो हाँ मुझे गोटे रेप कली आफ्टर डेथ मतलब मर्डर कलापर रेप कली बोलिकी तेनालीबले निजे दोषी निजर स्वीकारोक्ति कै पुलिस आगे जे मुझे ये क्राइमटा कर आईनगत मैंने ना फोर्स ना और दोषी एगेन्स्ट यूटिलाइज करना तेणु बर्तमान जो 376 जो चार्ज होता जारि बल कि बर्तमान पाखापी तीन टा साखी होती तेणु तार कौन आउ एविडेंस रे वैल्यू रहिला नाही तेणु कौन सी मते ताकू कोर्ट 376 रेप के पाई कौन सी प्रकार ताकू चार्ज रे से जो चार्ज चार्ज जेतु सब्सक्राइब रे कौन सी प्रकार दंड दे पारिबे नाही बर्तमान केवल रही 302 टे पार्टा जेमती आमे आगरु मते आलोचना करथिले जे कौन सी प्रकार तार कु क्लीन केवल खाली जो तीन टा लोक सेट करिसें जहाँ अगेन्स्ट कि माँ कंप्लेन करते जो मैं बर्तमान आसी कोर्ट डिपोजिशन कर सारी से पर्टिकुलर समय लास्ट सीन थ्योरी हिसाब से देखी थे से पिलाटी घर पशुची झीओटी घर सामने बुलू तेणु ये जो दु तीन टा प्लांट कर छड़ा अगर कौन मेटेरियल्स एगेन्स्ट ना और बर्तमान जाए माँ साक्षी भी प्रश्न घेर रही से साक्षी मैंने सब बाबुली नायक लोक तार सब खास लोक एक आ जे छ मास पर्यंत से चुप रहिले तांकु किए डरेला कौन ये नाबालकर भयरे से पार्टी चुप करके बसते से दिन बा घटना बेलू कहीं पुलिस आगे परी घर लोक आगे कहले जे परी अभियुक्त नाबालक घर को जाने साक्षी मैंने भी प्लांटेड ये मिछ साक्षी ये अभियोग भी हो निश्चित भाव से जो तीनो साक्षी करते माँ जहाँ अभियोग करता से ही प्लांट करते तीनो साक्षी को नयगढ़ जदि एसडीएम कोर्टे कर 164 ताक नक भुवनेश्वर को पाखापाखि 80-100 किलोमीटर दूर को नहीं भुवनेश्वर तक रखिक निगला और आईनगत रिग अनुसार आईनगत प्रावधान अनुसार जड़े लोक जो तुरंत से डिपोजिशन पुलिस आगे निजर बयानटा देनी मुझे देखी बोल कि तार 6 मास पर तार कौन से आईनगत दिग्वर देखापे गल तार एविडेन्स जहाँ कोर्ट आगे करा ग्रहणीय नुहे तेनालीरू निश्चित बेनिफिट पाइब हाँ निश्चित आउ किसी दिन पर से जो पिलाटी भितर जेल भितर रहा कितु मुझ दृढ़ आशावादी निश्चित भाव में यूँ पॉइंट गुड़ाक प्रपर्ली तलकोटे भी चंद्र विजय विषय भी प्रपर्ली हैंडल कर पिलाटी निश्चित खलास हे और खलास है निश्चित भाव में जहाँ से भी मोर ताप बेल फाइल कराई से निश्चित भाव में क्राइम ब्रांच एगेन्स्ट निश्चित गोटे डैमेज सुट फाइल कर जो जो जीगुड़ा अच्छी जो बर्तन तर जो लाइफ नष्ट कर निश्चित से जो तार तदंतकारी अधिकारी एवं निश्चित क्राइम ब्रांच माने मध्ये निश्चित दायी रहिबे खलास हेगला ताहाले परी अपहरण आ हत्या पछरे किए ता माने जो कथा आसुची बाबुली नायक अरुण साहू ए कथार सत्यता रहिची ये बड़ा प्रश्न एवं जो भली भाबे एसआईटी तदंत कला पूरा तदंत संदेह घर रहिथि पई जे अरुण साहू को बचाया पई अरुण बोथरा कन्स्पिरेसी कर प्रथम ही जल जल कर देखा जाता जितेबाला सरकार कहले हाईकोर्ट को द्वारा मॉनिटर्ड एसआईटी किंतु आरटीआई तथ्य हेमंत पंडा बलांगीर ए खुलासा कले जे हाईकोर्ट संतोष बार्ला लिखि चिठी को फेरइले जे एसआईटी तदंत करनी एसआईटी तदंत बाहन राज्यवासी को भुआ बोलते राज्य सरकार यही जे तांक मंत्रिमंडल मंत्री अरुण साहू को सुरक्षा देवाई मंत्री अरुण साहू
ଅଡିଓ ବି ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା ଧମକାଉଥିବାର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ସେତେବେଳର ସରପଞ୍ଚ ଯିଏ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଉଥିଲେ। ଏ ପୁରା ଘଟଣାରେ ଅର୍ଗସ ପ୍ରଥମରୁ ଏହି ଖବରକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠାଇଥିଲା। ଏବେ ମ୍ୟାଟର ସବଜୁଡ଼ିସ ଅଛି ଏବଂ ମ୍ୟାଟର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ପରୀର ବାପା ମା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଯାଇଥିଲା, ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଏବେ ଆସିଛି, ହାଇକୋର୍ଟରେ ହିୟରିଂ ହେବ। କିନ୍ତୁ ବଡ଼ କଥା ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଜଣେ ଜଣକୁ ବଲିକା ବକରା ବନେଇକି ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦିଆଯାଇଛି କି, ଟିକେ ରିଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ କଥା ଆସୁଛି ଶିବରାମ, ଯେ ଇଏ ବଲିକା ବକରା ବନେଇକି ଯେ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ, ଯେ ମୁଖ୍ୟ ହତ୍ୟାକାରୀ, ତାଙ୍କୁ ଖସେଇ ଦିଆଯାଉଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ବଳିକା ବକରା ବନାଯାଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଥମରୁ ଯେଉଁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଯେଉଁ ଲ୍ୟାବ୍ର ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା ଏବଂ ଯାହା ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଥିଲା, ସେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ ଏବଂ ଏସ୍ଆଇଡ଼ିର ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଭିତରେ ବହୁତ ତଫାତ ରହିଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଇନକ୍ୱେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ତା'ର କେବଳ 6 ଖଣ୍ଡ 12 ଖଣ୍ଡ ହାଡ଼ ରହିଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏସ୍ଆଇଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦେଉଛି ସେ କହୁଛି ତା'ର ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ି ସେଇଠି ଥିଲା, ଟୋଟାଲ୍ ବଡ଼ି ଡିସ୍ପୋଜ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଚାର୍ଜସିଟ୍ ରିପୋର୍ଟ ଯାଉଛି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଚେନ୍ ଅଫ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଗୋଟେ କେସ୍କୁ ପ୍ରମାଣିତ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କେସ୍ର ଚେନ୍ ଅଫ୍ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ପଞ୍ଚଷଠି ନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏବଂ ଯେଉଁଟାକୁ ବେସ୍ କରିକି କେସ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ଯେ ଚାଇଲ୍ଡ ପର୍ନୋଗ୍ରାଫି ହେଉ କିମ୍ବା ତା'ର ଯେଉଁ ସିମେନ୍ର ଷ୍ଟେନ୍ ହେଉ, ଏସବୁକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ କେସ୍ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିଲା ସେସବୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରମାଣ ଯେଉଁ ଭାବରେ କୋର୍ଟରେ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରୁନି ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍। ତେବେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରିବେ, କ'ଣ ଆବେଦନ କରିବେ? ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ପକ୍ଷରୁ କେସ୍ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆବେଦନ କରାଯିବ ଏସ୍ଆଇଟି ପକ୍ଷରୁ, ଆପଣ କ'ଣ ପକ୍ଷ ରଖିବେ? ଏ ଏସ୍ଆଇଟି ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟକୁ ଆମର ଯୁକ୍ତି ରଖିବୁ ଯେ କୌଣସି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦିଆଯିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଏଜେନ୍ସି ସବୁ ରହିଛନ୍ତି, ଷ୍ଟେଟ୍ SFSL ହେଲା, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ହେଲା କୋଲକାତାରେ ଆମର ଇସନ୍ ଜୋନ୍ ପାଇଁ, ବା ଆପଣଙ୍କର ସେମାନେ ଯେଉଁ SFSL ଗାନ୍ଧୀନଗରକୁ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ, ଏସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଏଜେନ୍ସିଜ୍, ତେଣୁ ଏଠିକି ପଠାଇବାର ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଆମର ସତ୍ୟ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ, ସେମାନେ ପଠାଇଲେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମନା କରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭିତରକୁ ଟାଣିବାର ମାନେ କ'ଣ? ଏବଂ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅବଶ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ ଦେବେ, ୱେ ଆର୍ ନଟ୍ ଡିନାଇଂ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଭିତରକୁ ଗଲେ ତାଙ୍କର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ସେ ତାଙ୍କର କେଳାଙ୍କେରି କରି ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ସେମାନେ ପହଞ୍ଚିବେ, ତେଣୁ ସେ ଇଏ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗାନ୍ଧୀନଗର SFSL ଗାନ୍ଧୀନଗର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ମାନେ ତା'ର କୌଣସି ଇଏ ନାହିଁ, ସେ କିଛି ପାଇଲେ ନାହିଁ ତା ଦେହରୁ। ଯେଉଁ କଥାଟି ଆଗରୁ କହୁଥିଲା, ଏଇ ଯେଉଁ CCLT ଆଗରୁ କହୁଥିଲା ଯେ ମୋ ନାନୀର ମୋବାଇଲ୍ରୁ ସେମାନେ କିଛି ବି ପାଇବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଭଳି କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମନା କଲା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସଂସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମନା କଲା ଏବଂ ଗୁଜୁରାଟର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଭଳି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଲାବୋରେଟୋରୀ ମନା କରୁଛି, ସେଠି ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏଜେନ୍ସି କେମିତି ରିପୋର୍ଟ ଦେବ, କେମିତି ସେ ତଥ୍ୟ ଦେବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ SIT ଚିଠି ଲେଖିଛି, ଆବେଦନ କରିଛି? ତାରି ଉପରେ ତ ଯୁକ୍ତି ଅଛି, ଆମର 11 ତାରିଖ ଦିନ ଯୁକ୍ତି ଅଛି, ଆମେ ଆମର ଯୁକ୍ତି ରଖିବୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟଙ୍କ ଆଗରେ, ଏବଂ ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଯେ କୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବେ। କାରଣ SIT ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲି ଯେ ସେମାନେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ସତ୍ୟଟା କେଉଁଠି ରହିଛି, ସେମାନେ ଏଭିଡ଼େନ୍ସକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଏଭିଡ଼େନ୍ସ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ଇଏ ଜାମୁକୋଳି ଗପର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେଉଁଟା ଖୁଲାସା ହେଉଛି ଅର୍ଗସରେ। ଶ୍ରୀକ୍ତ ମାନସନ, ଶେଷ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଏଠି CBI ତଦନ୍ତ କଲେ ହିଁ କିଛି ଜଣାପଡ଼ିବ, କାରଣ ଏତେ ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି, ପ୍ରମାଣ ବି ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାବାଳକ ସେ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜଣେ IPSକୁ ବୋକା ବନେଇଦେଲା, ତାପରେ SIT ମୁଖ୍ୟ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆସେମ୍ବଲିରେ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଲେ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର, ଗୃହରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଯେ ରେପ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ପ୍ରମାଣିତ କରିହେବନି, କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ ହୋଇଛି। ପୁଣି ଗପ କହିଲେ ଯେ ପ୍ରଥମେ ହତ୍ୟା କରିକି ତାପରେ ଦୁଷ୍କର୍ମ କଲା, କିନ୍ତୁ ତା'ର କନଫେସନ୍ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଏହା ଅଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ସେ ରେପ୍ ଆଟେମ୍ପ୍ଟ କଲା ଏବଂ କାଳେ ସେ କିଏ ଜାଣିଦେବ ତାପରେ ତଣ୍ଟି ଚିପିକି ହତ୍ୟା କରିଦେଲା, ତାଳମେଳ ରହୁନି। ଏବେ CBI ତଦନ୍ତ ହିଁ ଭରସା, ଶିକ୍ତ ମାନସ ଦେଖନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେକୌଣସି କ୍ରାଇମ୍ରେ ଯଦି ଯେତେ ତୁରନ୍ତ ତଦନ୍ତ ହେବ ତା'ର କିଛି ଫଳାଫଳ ମିଳିବ, ଯେତେ ଡେରି ହେବ କିଛି ହେବନି, କାରଣ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଏଭିଡେନ୍ସ। ତେଣୁ ଏଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯଦି CBI ତଦନ୍ତ ହେଲେ, ଆଉ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଉ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିବନି। ହଁ, ଯେଉଁ ପିଲାଟା ମିଛ କେସ୍ରେ ଫସେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇବ, ଏବଂ ମୁଁ ମୋତେ ଦୃଢ଼ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ଯେଉଁ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ
ଜାଣିଶୁଣିକି ଏଭିଡେନ୍ସଟାକୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଜାଣିଶୁଣିକି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସାକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଆଣିକି ଛିଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ମିଛ ସାକ୍ଷୀ ଛିଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଦୋଷୀ ହିସାବରେ ମାନେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଦୋଷୀ ହିସାବରେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଏଲ୍ ଫେସ୍ କରିବେ, ସେଇଟା ହିଁ କେବଳ ହେଇପାରିବ, ତା ଛଡ଼ା ବିଶେଷ ଆଉ କିଛି ହେଲା ଭଳି ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ସରକାର ଦାମୀ ଓକିଲ ଲଗେଇଲେ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନ ହେଉ କାହିଁକି, ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି, କାଳେ ଖୁଲାସା ହୋଇଯିବ। ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଡ଼ମ୍ବନା ଯେ ଆଜ୍ଞା ଛୋଟ ପିଲାଟିଏ 5 ବର୍ଷର ଟିକେ ପରି ମା, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ କଥା ଦେଖିବେ, ପରି ମା ଯେଉଁ କହୁଥିଲେ ଯେ 12 ଦିନ ଆଜ୍ଞା 12 ଦିନ ତାଙ୍କ ମା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇଗଲେ, ଟିକେ କର୍ମ ବି କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି, ଟିକେ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଲଗାନ୍ତି ଯେଉଁ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ସେଟା ବି କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି, କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଦେଲେନି, ରାତି 12 ଯାଙ୍କେ ଥାନାରେ ବସେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳର ଏସ୍ପି ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଦିବାଙ୍କରଙ୍କର ଏ ଦମ୍ ନଥିଲା ଯେ ବାବୁଲି ନାୟକକୁ ଧରିପାରିବେ ବା ତାଙ୍କୁ ପଚରା ଉଚରା କରିବେ ବା ତା ପଛରେ ତାଙ୍କ ବସ୍ କିଏ ତା ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଇଏ ବି ଦେଖେଇ ପାରିଲେନି ଯେ ଯଦି ଏ ନାବାଳକ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାରିଛି ବା ହତ୍ୟା କରିଛି ତାହେଲେ ସେ କ'ଣ ଗୁଗଲ୍ ସର୍ଚ୍ଚ କରି ଜଣେ IPS ଅଫିସରକୁ ବୋକା ବନେଇଦେଲା, ଆଉ ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା ସୁପର କପ୍ ହେଇକି ଆସିଲେ, ସବୁ ଧରିଦେଲେ ଗୋଟେ ଦିନେ 2 ଦିନରେ, ଆଉ ସବୁ ଖୁଲାସା କରିଦେଲେ। ଏବେ ପ୍ରମାଣିତ କର ଯେ କିଭଳି ଭାବେ ଏ କାଣ୍ଡ ଘଟେଇଛନ୍ତି। ଯଦି ସେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକ ଖଲାସ ହେଇଗଲେ ତାହେଲେ କିଏ ପରୀକୁ ଅପହରଣ କରିଥିଲା, କିଏ ପରୀର ହତ୍ୟାକାରୀ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ତ SIT ନା ଇଏ ଅରୁଣ ସୁରକ୍ଷାରେ, ଅରୁଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଅରୁଣ ସାହୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଅରୁଣ ବୋଥ୍ରା, ଆଉ ଇଏ ତାର ଆଉ ଏକ ପ୍ରମାଣ କି, ଇଏ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଯାହାର ଖୁଲାସା ଆଗରୁ ବି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରିଛି ଅର୍ଗସ୍ ଏବଂ ଆଗକୁ ବି କରିଥିବ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ 5 ବର୍ଷର ନାବାଳିକା ପରି ଛୋଟ ଝିଅଟେ ତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି, ତା ଆତ୍ମାକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ପରିର ବାପା ମାଆଙ୍କୁ। ସମସ୍ତ ସହିଛି ଅର୍ଗସ୍ର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।